कितने दिन तक देखते रहेंगे? हेलो, और कितने दिन तक हम लोग आपको बताते रहेंगे? यस, हम वही बताना चाहते हैं कि ये बिजनेस में आप जो डिसीजन लेंगे वही होगा, जो डिसीजन लेंगे वही होगा। एंड टुडे इज द डे, क्योंकि एफिड इज द मदर ऑफ ऑल फंक्शंस। आज आप इस ऑडिटोरियम से जब बाहर जाएंगे ना, तो जो मैरिड है दोनों एक साथ हाथ पकड़कर हस्बैंड वाइफ एक ओथ लीजिए कि नेक्स्ट एफिडी विल बी आवर्स एफिडी। राइट, कर सकते हैं? तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सरकार, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, साथ साथ 17 साल ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। तो हम आज आए हैं इधर, आप दोनों, अब सबका साथ, हम दोनों क्या किया, कैसे किया, और आज आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। एक्चुअली हम लोग का मकसद यह है कि हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, जिसके जरिए आपको पता चले, आप ये समझ सके कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो हम लोग का सुनने के लिए तैयार है आप लोग? Yes! सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इन्वाइट चंदना, वो आपसे कुछ बात आएंगे, उसके बाद हम आएंगे। सो प्लीज वेलकम चंदना। हम दोनों का तरफ से आप सबको वेलकम करती हूँ और साथ साथ कहती हूँ, फ्रेंड्स, बिजनेस को प्रोफेशन के तरफ बिल्ड कीजिए, जिंदगी से टेंशन दूर कीजिए, आज डायमंड जाने का डिसीशन लीजिए। दुनिया में आने के लिए चाहिए मम्मी पापा की जॉइंट डिसीशन, उसी लिए डायमंड शिप अचीव करने के लिए चाहिए हस्बैंड वाइफ का जॉइंट डिसीशन। इसीलिए कहती हूँ, आज से स्ट्रॉन्ग डिसीशन लीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दीजिए, विथ डेडिकेशन एक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि डिसीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, मैं चंदना, बहन वंदना, मामी अन्नपूर्णा, पापा रंजीत और भाई विश्वजीत, हम सब इस बिजनेस में है। मेरे मामी पापा इस बिजनेस में फाउंडर से मरेल्ड। वी आर एक्चुअली हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, नानी के पास हायर सेकेंडरी तक स्टडी किया, आसनसोल से कॉलेज से मैथ्स में ऑनर्स किया, मम्मी पापा ने पसंद किया हाईली एडुकेटेड लड़का को शादी किया। शादी के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैथ्स में एमएससी और बीएड किया, बाद में यूजीसी फेलोशिप लेकर मैथ्स में पीएचडी शुरू किया। मेरे हस्बैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैथ्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बिजनेस ज्वाइन करने के पहले आशीष हर साल रिसर्च वर्क के लिए फॉरेन जाते थे और मैं जाती थी एयरपोर्ट सिर्फ रिसीव और सीअप करने के लिए। तब मन में एक सवाल आती थी, क्यों देश में रहेंगे डबल और विदेश जाएंगे सिंगल? इसीलिए मेरे हस्बैंड के फ्रेंड देवलदा से प्लान बिजनेस कॉन्सेप्ट सुनकर LIC प्रीमियम ना भरकर 7th अगस्त 1999 बिजनेस शुरू किया। विश्वजीता ज्योतिर्मयी, रंजन दा प्रमिता, अनिरुद्ध दा मोहदी, सुभाषीष दा सुजाता दी, अशिताभ दा श्वेता दी और TD सुपर्णा का सपोर्ट से बिजनेस को बिल्ड किया। एक्चुअली हम लोगों का जमाने में ज्वाइनिंग फीस था 4200 रुपया, अभी 9 रुपया। प्रोडक्ट था सिर्फ 7 या 8, अभी 140 प्लस। ऑफिस था 5, अभी 135। ऑनलाइन ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट ऑर्डरिंग, ई लर्निंग नहीं था, अभी सब कुछ है। इसीलिए कहती हूँ,
इफ वी कैन डू इट यू कैन डू इट टू. इन फैक्ट जॉइनिंग के समय आई वॉज प्रेगनेंट, बड़ी लड़की 5+, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड बहुत बिजी, 50 PV मंथली कमिटमेंट, प्रोडक्ट सिर्फ 7 या 8, उसमें 2 या 3 TNA. इस था कॉइन का वन साइड सिचुएशन. ऑन द अदर हैंड कॉइन का दूसरा साइड में था टैग ना देकर साड़ी खरीदना, ऑकेशन बिला ज्वेलरी खरीदना, मनपसंद घर में रहना, खुद का गाड़ी में घूमना, रेस्टोरेंट में जाकर मेनू कार्ड का डाइने तरफ ना देखकर मेनू ऑर्डर करना, फॉरेन ट्रिप जाना, बच्चे को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, पेरेंट्स को टेक केयर करना, चैरिटी करना. पहले दिन से बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम था, इसीलिए चैलेंज ओवरकम करके ड्रीम फुलफिल किया. जैसे मारुति या मर्सिडीज पेट्रोल या डीजल से स्टार्ट नहीं होता, उसी बाप एक बिजनेस भी सपने बिना स्टार्ट नहीं होता. फैमिली का खुशी बनता है लेडीज का हाथ पे, और बिजनेस में बैलेंस मेंटेन होता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व है साथ में. लेडीज के लिए कहती हूँ, ऐसे बिजनेस हाथ में जिसके नौकरी का जरूरत नहीं है उसके. दिस इज माय बिजनेस, अपलाइन का नहीं, डाउनलाइन का नहीं. बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस. हम सब जानते हैं ओरिजिनल अच्छा होने पर जेरोक्स अच्छा होता है, और सफेद पेज का जेरोक्स सफेद ही होता है. इसीलिए शुरू से याद रखे है जे ओरिजिनल कॉपी मैं से ही है. तो दिस इज माय बिजनेस, ये फीलिंग्स मेरा अंदर डेवलप कर रहा है, तो मेरा बिजनेस का बारे में फेथ है. तो इसीलिए आज से खुद का अंदर जो गैप है उसका फिलअप करेंगे और सीरियसली बिजनेस को बिल्डअप करेंगे. याद रखिए, न्यू एबीओ के पास रहता है शोक, लेकिन अपलाइन के पास रहता है होप. इसीलिए अपलाइन का काम है शोक का अंदर होप डालना और फेथ जगाना. ये बिजनेस वन डे क्रिकेट नहीं है, इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है. ऑन द अदर हैंड ये कोई स्कीम नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी रखना जरूरी है. इस बिजनेस के लिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी है. कॉमन सेंस के बारे में एक लड़का लड़की का कॉन्वर्सेशन शेयर करती हूँ. लड़का लड़की को पूछता है, व्हाट्स योर एज? लड़की बोलते हैं, लड़के को एज नहीं बताती हूँ. लड़का पूछता है, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? लड़की बोलती है, pooja_1988@gmail.com. आप ही सोचिए. अभी तो बहुत बिजनेस इजी. 50 PV में फर्स्ट FPO, अनदर 50 PV में सेकेंड FPO, 100 PV में 6%, 500 PV में 9%, 1500 PV में 12%. थिंक अबाउट इट. इसके बाद भी बहुत लोग कहते हैं, क्या आप अभी भी करते हैं? जब मैं बोलती हूँ, मैं किराए के घर में नहीं रहती जो बार बार पता बदल दू. बहुत सारे लोग कहते हैं, इतना स्टडी करने के बाद क्यों? क्योंकि जीरो रिस्क हाई गेन अपॉर्चुनिटी. ऐसा एक बिजनेस जो आग में जल नहीं जाता, पानी में बह नहीं जाता और सूखे में सूख नहीं जाता. समुन्द्र से आप एक लोटा पानी ले सकते, एक बाल्टी पानी ले सकते, या पाइपलाइन भी फिट कर सकता है. चॉइस इज योर्स. बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? एक्चुअली आप जो बुलाना चाहते हैं वही कहेंगे. डॉक्टर को डॉक्टर,
इंजीनियर को इंजीनियर, लॉयर को लॉयर, प्रोफेसर को प्रोफेसर कहते हैं। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो लोग आपको डायमंड ही कहेंगे। उत्तर आपका हाथों में है। जेंट्स लोगों के लिए कहती हूँ, सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि हॉल लेडीज की इच्छा हस्बैंड ऐसा हो जिसके पास पैसा हो। अभी सबका मन में एक ही सवाल, लोग कहाँ मिलेगा? इंडिया में रहकर ऐसे बात सोचते कैसे? आपका कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स नहीं है? आपका फोन बुक ब्लैंक है? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से धक्का खाते हैं और आप बोलते हैं लोग कहाँ मिलेगा? याद रखिए, जन्म के समय मम्मी पापा भी स्ट्रेंजर थे, स्कूल कॉलेज में टीचर्स फ्रेंड्स भी स्ट्रेंजर थे, इनफैक्ट शादी के पहले आशीष भी मेरा स्ट्रेंजर था। इसीलिए कहती हूँ, यदि अननोन आदमी को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है तो अननोन आदमी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। शादी में नेम लिस्ट ज्यादा होने से खर्चा ज्यादा होता, लेकिन इस बिजनेस में नेम लिस्ट ज्यादा होने से इनकम ज्यादा होता। कोई कोई लेडीज कहते हैं, मैं तो अच्छे से बात नहीं कर सकती, मैरिड होने पर हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ बात तो करते हैं, अनमैरिड होने पर मामी पापा, भाई बहन, दादा दीदी के साथ तो बात करते हैं। बिजनेस की बात करने का मतलब नया नया दादा दीदी भाई बहन के साथ बात करना। सिर्फ डिफरेंस यही है कि पहले इनकम नहीं था, अब इनकम होगा। कोई कोई लेडीज कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज का मैक्सिमम टाइम टीवी देखने में और खाना बनाने में चला जाती है। इसीलिए कहती हूँ, 21% में पहुँचने के लिए घर के 21 इंच को कुछ दिनों के लिए बंद रखिए। और 5-7 तरीके का खाना ना बनाकर जीप को थोड़ा छोटा रखिए। सक्सेसफुल होकर एलएस में जाकर जीप को बड़ा कीजिए। ऑलवेज रिमेम्बर, ये एक फ्लेक्सी टाइम बिजनेस, इसीलिए प्राइमरी प्रोफेशन मेंटेन करते हुए ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई बायोडाटा की जरूरत नहीं है। हाईली एडुकेटेड आदमी भी कर सकते हैं, कम पढ़ाई के आदमी भी कर सकता है, क्योंकि दिस बिजनेस ऑफर्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अनइक्वल पीपल। बहुत लेडीज कहते हैं बच्चों का एग्जाम, बच्चों का एग्जाम का टाइम गार्जियन बनकर गर्जन करना जरूरी नहीं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड न देकर बच्चे को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरह बड़ा होने दीजिए। ऑलवेज रिमेम्बर, वी आर सिंपली केयरटेकर्स ऑफ आवर चिल्ड्रेन फॉर ए सर्टेन पीरियड, वी आर नॉट कंट्रोलर ऑफ देयर डेस्टिनी। फ्रेंड्स, सक्सेस एंड एक्सक्यूजेस डोंट टॉक टुगेदर। इफ यू वांट एक्सक्यूजेस, फॉरगेट अबाउट सक्सेस। इफ यू वांट सक्सेस, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। एज ए बिजनेस ओनर यू शुड बी ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट देखकर टीम में पुराना आदमी टिके रहेंगे और टीम में नया आदमी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई आपका देखकर ज्वाइन करता है। इसीलिए एज ए लीडर आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका एटीट्यूड लेवल, फेथ लेवल टॉप में होना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, पैसा बचाने के बारे में नहीं, पैसा कमाने के बारे में सोचिए, क्योंकि दिस बिजनेस इज एन इनकम अपॉर्चुनिटी, नॉट ए सेविंग्स अपॉर्चुनिटी। इनवाइट करने का समय कभी कभी मन में होता है, ये आदमी का अच्छा नौकरी, अच्छा इनकम, बिजनेस करेगा क्या? फ्रेंड्स, याद रखिए, नौकरी में इनकम ज्यादा लेकिन साथ साथ टेंशन ज्यादा,
स्टेटस के लिए ईएमआई ज़्यादा, घर से निकलने का टाइम फिक्स्ड लेकिन लौटने का टाइम फिक्स नहीं है, हस्बैंड वाइफ का ड्रेक्स एंड शेम नहीं है, दिन में टाइम पर लंच नहीं होता, रात में नींद नहीं होता, ऑफिस हाउस बन जाता है और हाउस गेस्ट हाउस बन जाता है। कभी कभी मन में होता है ये आदमी का ह्यूज कॉन्वेंशनल बिजनेस, ये बिजनेस करेगा क्या? फ्रेंड्स, ह्यूज बिजनेस मीन्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साथ साथ ह्यूज रिस्क, ह्यूज टेंशन, ह्यूज कॉम्पिटिशन। आज मार्केट गर्म लेकिन कल नरम भी हो सकता है, इसलिए बोल्डली इन्वाइट कीजिए। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए नो सुनना है, क्योंकि एक किलो दूध से कभी एक किलो खीर बनता है, हॉर्बल में चार छाय होता है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेम्बर, इस बिजनेस में जो नो सुन रहा है वही एलएस जा रहा है, और जो नो बोल रहा है वही एलएस का कहानी सुन रहा है। अंत में कहती हूँ, छोटा बच्चे को एक्सक्यूज ना देकर, नो सुनकर, प्रोफेशनल ईगो छोड़कर बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करके कुआलालंपुर, स्टार क्रूज, पटाया, बैंकॉक, विंटन आइलैंड, मेडिटेरियन क्रूज, चाइना, फुकेट, पेनांग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टोरंटो, एडम मिचिगन, अलास्कन क्रूज, मैकाओ, हांगकांग, नीस, पेरिस, अफ्रीकन सफारी, बाली, फ्री में घूम के आई हूँ। फ्रेंड्स, 2017 प्लैटिनम फ्रॉम दुबई, 2017 एलएस दुबई, 2018 एलएस एशियन क्रूज। बच्चे को साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए आज से एम्प्लॉय नहीं, ओनर के हिसाब से बिजनेस को बिल्ड कीजिए। बाय चांस नहीं, बाय चॉइस लाइफ को लीड कीजिए। बाकी बात आशीष से सुन लीजिए। थैंक यू। ऑसम ऑसम। चंद्रा ने आपको एक ब्रॉड पिक्चर तो बिजनेस के बारे में दे दिया, बट मेरा पहला सवाल है, आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया? खुद को पता है? अगर किसी ने आपको नाम पूछा, आपको कितना टाइम लगता है बोलने में? लेकिन जब पूछते हैं ना ब्यू बिजनेस ज्वाइन किया, तो ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब क्या हुआ? आपका अंदर ये सोच होना चाहिए, ये बजाय होना चाहिए कि हम क्यों दौड़ेंगे, क्योंकि हर के पास बहुत सारे काम है, प्राइमरी प्रोफेशन है, फैमिली है, सब कुछ है। उसका अलावा आप क्यों टाइम देंगे, क्यों दौड़ेंगे, क्यों अब मेहनत करेंगे? दैट शुड बी सम पार्ट पास। देखिए, बिजनेस है क्या? हम लोग सब बोलते हैं ना, बिजनेस डुप्लीकेशन का व्यवसाय, जेरोक्स मशीन डुप्लीकेट करता है ना, तो उसके साथ इसका सिमिलरिटी क्या है? बेसिकली अगर आप जेरोक्स मशीन को सोचेंगे, बिजनेस ही जेरोक्स मशीन, लाइक ए वेरी रेपुटेड कंपनी हुज कैन मेक डुप्लीकेशन। लेकिन मशीन के साथ अंदर में एक चीज होता है जिसको बोलता है टोनर, ड्राम होता है, जो काला प्रिंट निकलता है, वो है बिट ऑल्डिंग सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, वो टोनर ना कम हो जाता है तो फीके हो जाता है जेरोस्कोपी। ये सर नो, तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो टोनर हर वक्त फड़ा रहे, पूरा रहे, सही रहे। तो ये दोनों तो हो गया, लेकिन आप दो चीज बाकी है। एक है कि जो कॉपी करना चाहता है ऊपर में ओरिजिनल देना पड़ेगा, और वो ट्रे में आप बहुत सारे पेपर्स रहना पड़ेगा जहां से वन बाय वन कॉपी निकलेगा, सही है? तो जैसे ऊपर में ओरिजिनल रहेगा वैसे कॉपी निकलेगा, सही है? आप देखिए, आपका जेरोक्स मशीन में ओरिजिनल है तो सही। हेलो, नंबर वन। एंड सेकेंड थिंग इज, जो कॉपी आप निकल रहे हैं उसका पेपर का क्वालिटी कैसे है? हेलो, जितना अच्छा क्वालिटी पेपर से होगा उतना अच्छा जेरोक्स निकलेगा। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि पेपर का क्वालिटी बहुत सारे एकदम एग्जीक्यूटिव बॉन्ड जैसे होगा ना, तो ऊपर वाला ओरिजिनल से भी कभी कभी अच्छा निकल जाता है जेरोक्स कॉपी। यस और नो? सो दैट इज द प्रोसेस। सो बिजनेस इज नथिंग बट ए कॉपिंग मशीन, एंड यू हैव टू कॉपी योर सेल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं लीड बाई एग्जाम्पल्स। लीड बाई एग्जाम्पल्स।
अगर हम जो बता रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं ना, हम दूसरों को ग्रो करने बोलते हैं, मेरे डाउनलाइन को हम करते हैं, हम डाउनलाइन को बोलते हैं प्लान दिखाओ मैं कितना दिखाता हूं, हम डाउनलाइन को बोलते हैं स्पॉन्सर करो हमारा विथ कितना है। यू मस्ट बी इन ए कंपटीशन मोड विथ योर डाउनलाइन, बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरा साथ मेरा डाउनलाइन का कंपटीशन है। हम डायमंड बना, मेरा डाउनलाइन डायमंड बन गया, मेरा डायमंड लाइन बोला कि अरे हमारा को भी तो एकदम क्या बोलता है एग्जीक्यूटिव बॉन्ड है, तो उन्होंने क्या किया फाउंडर्स डायमंड बन गया, हम जा रहे हैं, उन्होंने 7 लाख ब्रेक कर दिया, हम कर रहे हैं, समझ रहे हम क्या बता रहे हैं। अगर आपको ग्रो करना है ना तो आपको खुद को काम सही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज सिंपल, वेरी सिंपल। एक नया जब कोई ज्वाइन करता है ना उसका बहुत सारे सवाल रहता है, मेरा भी था। जैसे कि एक काला गाय वो हरा घास खाता है लेकिन सफेद दूध देता है, ये अजीब सी चीज है, सही कि नहीं। अगर आप रिसर्च करते रहेंगे कि ब्लैक काउ व्हाइट मिल्क क्यों देता है तो आप बिजनेस नहीं बना सकेंगे। आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए ना, अगर आपको वाटर चाहिए तो दूध के अंदर है, उसको निकलने का तरीका समझने होगा आपको। इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको उधर अंदर से उस वाटर को निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए क्या है, मान लीजिए ये जो फ्लावर्स है ना, हम अगर आपको फूल दिया आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्मेल ले सकते हैं, उसको पूजा में भी चढ़ा सकते हैं, राइट। सवाल यह नहीं कि हम आपको क्या दिया, सवाल यह है कि आप उसको किस ढंग से देख रहे हैं, क्या किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी में फिर आपका आपने ना दिया है। अगर आपको कोई बजाय नहीं रहेगा, आपको कोई पर्पस नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपका मर्जी, दैट इज नथिंग बट योर सोच। क्या होता है, हम लोग छोटा से बिजनेस में जब छोटा था ना एक चीज सीखा था कि ये बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप दिमाग लगाकर ज्वाइन करो, नेक्स्ट आप उसको दिल लगाकर बनाओ। सो इट इज ए बिजनेस ऑफ ए बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स, योर ब्रेन एंड योर हार्ट। दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी करता है ना, ये दोनों का बैलेंस से चलता है, कुछ भी करता है, और ये दोनों का बैलेंस अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स गड़बड़ क्या होता है, हम लोग जब दिमाग लगाते हैं तो लॉजिकली एनालिसिस करते हैं, लॉजिकली काम करते हैं, और जब हम दिल से करते हैं ना तो लॉजिक नहीं चलता है, इमोशन चलता है। Am I right? मान लीजिए एक लड़का लड़की दोनों प्यार करता है, वो लड़की जब जन्म हुआ तब से 18-20 साल तक उसका पेरेंट्स उसको बड़ा किया, सब कुछ देखभाल किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब कुछ दिया, लेकिन जो लड़के के साथ उसको प्यार हुआ ना वो कभी कभी उसका साथ शादी करके चला जाता है पिता माता का जो ऑब्जेक्शन उसको तोड़कर। हेलो, क्या आप लॉजिक इस्तेमाल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 18 साल जिसके साथ उसको शादी हो रहा है, जो उसको प्यार करता है, 18 महीना भी नहीं हुआ लेकिन 18 साल का नाता तोड़कर उसका साथ चला जाता है, क्यों? हेलो, बिकॉज दैट इज इमोशन, दैट इज इमोशन। ये डायमंड जाना इज योर इमोशनल डिसीजन। आप कितना साल ज्वाइन किया, आप कितना साल 9% रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जब आप इमोशनली डिसीजन लेंगे कि दैट इज एनफ नाउ, नेक्स्ट एफिडी नहीं होगा, अगर हम लोग दोनों स्टेज पर नहीं आएंगे तो यू विल बी देयर। इसीलिए बोलते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस। क्या होता है, गड़बड़ क्या होता है, हम लोग जानते हैं सब कुछ, 4 बेसिक्स सबको पता है, 9 कोर्सेज सबको पता है, 6 कार्डिनल सबको पता है, 3 पावर सबको पता है, बिजनेस सबके लिए बराबर है, सबका अपलाइन है, सबका पीछे बैक स्पीड सिस्टम है, तब सब बराबर ग्रो नहीं क्यों करता है। हेलो, एक्चुअली क्या होता है, हम ना मैथ्स का बैकग्राउंड है ना, उसलिए सब कुछ एनालिसिस करते हैं हम, व्हाई एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई, क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं कि उनका सपोर्ट नहीं है, उनका अपलाइन नहीं चाहता है, इसीलिए नहीं, उनका सोच में गड़बड़ है, कंफ्लिक्ट है, कंट्रडिक्शन है। कैसे, हम लोग का सब कुछ काम दोनों चीज से होता है, हम बताया, एक ब्रेन और एक हार्ट से,
एक लॉजिक और एक इमोशन से। लेकिन क्या होता है, जब हमको लॉजिक से कुछ डिसीजन लेना चाहिए, हम उसको इमोशनल लेते हैं, और जो चीज हमको इमोशनली लेना चाहिए उसको हम लॉजिक में लेते हैं। समझ हम क्या बता रहे हैं? एंड दैट कंट्रडिक्शन एक्चुअली स्टॉप अस टू ग्रो। क्या होता है, आपको डायन जाना है तो आपको इमोशनल डिसीजन लेना होगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा तो फोर्थ लेग अभी 9%, और फिफ्थ लेग तभी 6% हुआ नहीं, सिक्स्थ लेग तब हमको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। डोंट थिंक लाइक दैट फ्रेंड्स, बिलीव मी, बिजनेस में देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड बिजनेस में नहीं आए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू थिंक इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। समझ लो क्या बता रहा है? तो इसीलिए ना आपको डिसीजन लेना होगा आपका इमोशन से, इट इज बैक्ड बाय योर इमोशन। ये जो है ना, एक बोलता है हम लोग का क्या बोलता है, पर्पस, प्रायोरिटी, पर्पस देन प्रायोरिटी देन एक्शन एंड देन रिजल्ट और सक्सेस। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका जो पर्पस है दैट शुड बी इमोशनल। हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे सीडी सुना है, बहुत सारे लीडर से सुना है, आप लाइन से सुने हैं कि यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग पर्पस। अगर मेरा नहीं रहेगा तो हम डाउनलाइन के कैसे बताएंगे? अगर मेरा अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आएगा तो हम डाउनलाइन को डिसीजन लेने में मदद कैसे करेंगे? डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए फर्स्ट ये पर्पस है आपको इमोशन, सी इट विल स्टार्ट विद इमोशन। ये लॉजिक से मत कीजिए कि मेरा ना इतना जॉब में प्रेशर है, मेरा कन्वेंशनल बिजनेस में इतना प्रेशर है, हमको तो टाइम नहीं है, हम प्लान दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा हमको, हम डाउनलाइन को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उसको टीम मीटिंग करेंगे, कैसे उसको होम मीटिंग करेंगे। डोंट लॉजिकली एनालिसिस ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हम लोग इसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं? सो व्हेन यू आर टेकिंग ए डिसीजन, व्हेन यू आर डिफाइनिंग योर पर्पस, यू टेक इट इमोशनली एंड देन ओनली यू कैन गिव द प्रायोरिटी। हम जब बिजनेस शुरू किया था ना, मेरा भी ऐसे हाल था, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक न्यूज में चलते थे हमारा काम, एंड दैट इज द रियलिटी। टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, एंड दैट इज माई इमोशनल अटैचमेंट। क्योंकि मेरा दो बेटी है, मेरा पेरेंट्स, सब कुछ था। जब काम शुरू किया था तो मैं क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा, बट आई रिप्लेस माई सैलरी इन 6 मंथ, बिलीव मी। जब आपको डिसीजन सही रहेगा, आपको डायरेक्शन सही रहेगा, तो रास्ता अपने आप बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली पहले रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद जाने का तैयार करते हैं। हेलो, सो डोंट डू दैट। यू फिक्स योर डेस्टिनेशन एंड ऑटोमेटिकली रोड विल बी डन, रोड तैयार हो जाएगा। तो जब ये दोनों है ना, ये पर्पस एंड प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन इमोशन, एंड देन यू गो फॉर एक्शन, एंड दैट इज लॉजिकल। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग लॉजिकली ऊपर वाला करते हैं और इमोशनली नीचे वाला करते हैं। ये मेरा डाउनलाइन, इसको बहुत सारे जान पहचान है, ये तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये तो कुछ काम नहीं करता है, ये तो पीवी नहीं करता है, ये तो एपीओ नहीं किया, ऐसे बहुत सारे कुछ सोचते हैं हम लोग। डोंट बी इमोशनल, बी लॉजिकल, यू गो फॉर एक्शन। काम करते रहिए, काम करते रहिए। काम जब करेंगे ना तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, आइदर आप जो चाहते हैं उसको मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ लेसन मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड देन यू फॉलो द प्रोसेस साइकिल, एंड दैट इज द वे टू गो डायमंड एंड बियॉन्ड। और कुछ नहीं, ये पर्पस एक बार नहीं, ये बदलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। हम जब शुरू किया था जो पर्पस था, मेरा पर्पस तो ही नहीं है, उससे अलग हो गया। सो इट विल कंटिन्यूअसली चेंज व्हेन यू चेंज योर बिजनेस, चेंज योर पिन, चेंज योर सब कुछ, राइट? सो देखिए, हम लोग पास्ट लाइफ को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन हम देख सकते हैं हमारा पीछे क्या है, दैट इज कॉल्ड आवर एक्सपीरियंस। बट वी कैन इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर, वी कैन इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर, राइट? आज ये दिन है जिस दिन आपको फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इधर आए हैं, एम आई राइट? एंड दैट इज ओनली यू कैन डू इट, नोबडी कैन। आपका अपलाइन नहीं कर सकते, आपका डाउनलाइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। समटाइम हम लोग सोचते हैं मेरा ये लेग प्लैटिनम बनेगा तो मैं मेडल लूंगा, मेरा ये लेग प्लैटिनम बनेगा तो हम डायमंड बनेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, अगर ये सोच आपका है ना तो कब डायमंड बनेंगे हमको पता नहीं, ऊपर वाले का पता है।
डायमंड जाने के लिए किसको चाहिए? खुद को चाहिए। एमराल्ड जाने के लिए खुद को चाहिए। प्लैटिनम जाने के लिए खुद को चाहिए। हम ऐसे देखते हैं कि अगर हमको प्लैटिनम जाना है तो हमको प्लैटिनम जाना है, अगर आपको एमराल्ड जाना है तो हमको तीन डिफरेंट लेग में प्लैटिनम जाना है। आपको जाना है, क्योंकि अगर आपको टीम उस लेग में कोई अभी तैयार नहीं है जाने के लिए, तब क्या करेंगे? जब उसका टाइम होगा तब जाएंगे। हेलो, सो डोंट डू दैट, डोंट थिंक लाइक दैट। देखिए, ये बिजनेस क्या बोलते हैं हम लोग? लीडरशिप बिजनेस। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप इज द पिलर्स। लीडरशिप होने का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जब एक्साइटेड रहते हैं तो हम लोग ग्रो करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, जब हम जो चाहते वो नहीं होता है तो हमारा एक्साइटमेंट आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर बन जाते हैं बिजनेस में, टू मैनेज। अगले महीना मेरा ग्रुप भी इतना था, स्पिन में था, मेरा ये लेग इतना था, इतना था, तो इस महीना उसको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। मेरा पहला सोच एक तरीके में आ जाता है कि नेक्स्ट मंथ नहीं, इस महीना में मेंटेन करना है। जिस दिन आपका अंदर ये इंजेक्शन आ गया ना कि मेंटेन करना है, तो यू विल स्टक। एक साथ सब जा रहे हैं, अगर आप खड़ा भी हो गया ना तो आप पीछे जा रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। एक साथ तीनों जा रहे हैं, मान लीजिए उसमें से एक रुक गया, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं? आप पीछे जा रहे हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनिंग द पोजिशन। मेंटेन करना मतलब मैनेजर। मैनेजर कैन मैनेज एंड लीडर्स कैन क्रिएट। इट इज ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप एंड दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट द लीडर्स। ओनली लीडर्स कैन क्रिएट लीडर। And that is why we call it, it is a business which you can develop through setting the right examples. Right examples. हमको create करना है, हमको नया लेग डालना है। हम एक बार सुना था कोई हमारा अपने TD से, हम उनको कुछ पूछने जा रहा था, बोला हम समझ गया तुम क्या पूछने जा रहे हो। तो क्या बोला? बोले कि हम कितना उम्मीद करना चाहिए हमको। हाँ सही सोच रहे हैं। बोला जिस दिन आपको लेटर भेजेगा और मेल भेजेगा कि आशीष स्टॉप योर विथ, उस दिन बंद करना। हेलो, समझ रहे हम क्या बता रहे? ये मत सोचिए मेरा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। नेवर स्टॉप स्पॉन्सरिंग योर विथ, देन ओनली यू कैन टेल योर डाउन कि चलो मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ लड़ो। हम इस महीना 2 नया लेग बनाएंगे 6%। कितना कौन है हमारा टीम में जो हमारा साथ फाइट करेगा? चलो आ जाओ। समझ रहे हम क्या बता रहे? दैट इज कॉल्ड लीडिंग बाय एग्जांपल्स। हम करेंगे तब हमको बता सकते हैं करने के लिए। सो इसीलिए ये बिजनेस में ग्रो करने के लिए खुद को ग्रो करना पड़ता है। आपका अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को बढ़ना है। सेकेंड थिंग इज कि टू ग्रो योर बिजनेस You have to understand, number one, your destination. आप कहां जाना चाहते हैं? इस साल कहां जाना चाहते हैं? डोंट ये सोचिए कि हमको 31 December क्या होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ द गेम, इट इज ए पार्ट ऑफ द गेम, बट फर्स्ट यू फिक्स्ड व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, एंड देन यू ब्रेक इट अप कि चल इस साल हमको क्या जाना है, इस महीना क्या कर रहा है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि आपको काम क्या है। So first you understand the destination, then your determination. एक बार ठान लिया ये करना है तो करना है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन डाउनलोड फोन कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिलीव मी, एक चीज आपको विश्वास करना पड़ेगा, एक चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितना आदमी आपको साथ आज है, आगे आने वाला दिन में सब आपको साथ रहेगा। सॉरी, एक बस मान लीजिए लखनऊ से खुल रहा है, इलाहाबाद जाएगा, तो बस जब जाते हैं ना, मान लीजिए लखनऊ में पूरा फुल सीट, जब इलाहाबाद पहुंचा टर्मिनस में तो सब फुल सीट। इसका मतलब ये नहीं कि जितना इधर था वही सब इंसान उधर बैठा हुआ है, बीच में उतारा भी है, नया उचारा भी है। ये सुनो, हेलो, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है, इसको लॉजिकली आपको सोचना चाहिए, हम लोग इमोशनल हो जाता है। नहीं नहीं, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा साला है,
मदर इन लॉ, वो है घर में है, बिजनेस में नहीं। मेरा मदर इन लॉ भी बिजनेस में है लेकिन घर में है, मदर इन लॉ। मेरा ससुर जी है, फाउंडर से मॉडल है, घर में है ससुर जी, इधर फाउंडर से मॉडल मेरा डाउन लाइन। बिलीव मी फ्रेंड्स, उनका साथ जब कोई बात बिजनेस के बारे में होता है तो बिजनेस के बारे में होता है। कभी हमको पूछता नहीं कि आशीष तुम्हारा लेके या कब कब फाउंडर से जा रहे हो, कब ईडीसी जा रहे हो। नेवर, ऑलवेज मेंटेन अपने डाउन रिलेशनशिप, बिलीव मी, नेवर। सो इसीलिए बोलते ना, यू मस्ट सर्टेन प्रिंसिपल्स, देन योर डेडिकेशन, योर डेडिकेशन। सो डेस्टिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये तीन डी अगर सही है ना तो आप डायमंड। फोर्थ डी इज योर डायमंड शिफ्ट, योर डेस्टिनेशन इज अचीविंग डायमंड शिफ्ट, देन योर डिटर्मिनेशन, यस व्हाट एवर इट टेक्स आई विल डू इट, एंड थर्ड योर डेडिकेशन टू डू इट, योर वर्क एथिक्स, एंड द फोर्थ वन इज यू आर ए डायमंड ऑन द स्टेज। आज देखेंगे न्यू डायमंड फेलिसिटेशन, और उसको देख कर आप सोचिए कि एक दिन हमारा भी होगा। हम लोग देखते रहते थे, हमारा भी ऐसे सोचते थे और होता था एक दिन। ये बिजनेस में कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आई विल गिव माई बेस्ट 100%। फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, 99% और 100% का अंतर क्या होता है, 1% 2% में अंतर क्या होता है, देखिए 99% मतलब 0.99 और 100% मींस 1.0। अगर इस दोनों को हम 360 डेज का स्केल में लाएंगे, टू दी पावर करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता पता है, इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.03 और इसका वैल्यू है 1। डू नो व्हाट इज द डिफरेंस, कितना टैक्स है, समझ रहे क्या बता रहा है? सो 1% डिफरेंस इन योर डिसीजन, योर डिटर्मिनेशन, योर एक्शन विल चेंज द एंटायर पिक्चर, विल चेंज द एंटायर पिक्चर। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 1%। एक साल अगर आप सचमुच 100% देंगे ना तो आप स्टेज पर डायमंड होंगे, दोस्त द्वारा एमरल्स एंड आप, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और लास्ट वन, ये बिजनेस है पीपल्स का बिजनेस, पीपल्स का बिजनेस, पीपल्स का बिजनेस तो सब बिजनेस ही होता है लेकिन इस बिजनेस में रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड होते हैं ना, इट इज थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू फ्रेंडशिप, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ बिटवीन यू एंड योर डाउन लाइन्स, यू एंड योर अप लाइन्स, यू एंड योर हार्ड लाइन्स, यू विद द कंपनी, यू विद सिस्टम। सो एवरीवेयर देयर इज अ रिलेशनशिप। एक हार्ट स्पेशलिस्ट, उनका गाड़ी खराब हो गया, उन्होंने जब जहाज पर जाते थे रोड में गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक उसको देख कर ठीक कर दिया। तो गाड़ी जब स्टार्ट करने जाते थे तो मैकेनिक आकर बोला, सर आपको एक बात पूछूं। तो बोलो क्या? बोलो सर हम और आप दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन आप और हम में इतना अंतर क्यों लाइफ में? तो बोला कि तुम सच बोला है, हम दोनों का काम एक ही है लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है। वह क्या पता है? कि तुम काम करते हो जब इंजन बंद रहता है और हम काम करते हैं जब इंजन चालू रहता है। बिजनेस बिल्ड करना, डायमंड बनने का मतलब है आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड जब हार्ट ऑन है तब। सो थैंक यू, सी यू अगेन, गुड बाय एंड गॉड लक, बेस्ट ऑफ लक।